स्टूडेंट से पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा किया था लर्नर एज मीनिंग मेकर यानी अर्थ निर्माणकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। और पिछली कक्षा में हमने बात किया था तीन मूलभूत विशेषताओं पर। पहली बात थी कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए यानी जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी बात कि उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जब आप कक्षा में पढ़ाती हैं और आपके सामने 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं तो आप उससे क्या अपेक्षा करती हैं कि किस तरह का वातावरण हो और बच्चों की मनोवृत्ति कैसी हो। तो पहली बात है कि वो जिज्ञासु हो, वो जानने की इच्छा रखें। दूसरी बात कि उनमें रुचि हो पढ़ने के प्रति। तीसरा है जो जानकारी थी कि एक्टिव इंगेजमेंट हो उनका यानी सक्रिय जुड़ाव हो। एक पक्षीय या वन वे रोड की तरह कक्षा होना सही नहीं है यानी आप भी बात कर रही हैं, आप कुछ पूछ रही हैं, बच्चों से भी कुछ जवाब मिल रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से वो बातचीत हो, इंटरेक्शन हो। कुछ और विशेषताओं पे आज हम बात करेंगे। जिज्ञासु, रुचि और सक्रियता, ये तीन बातें पिछली कक्षा में हो चुकी थी। चौथी बात है समझ, उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनके भविष्य के लिए जरूरी है, उनके अनुभव और ज्ञान के लिए जरूरी है। ये समझ बच्चों में, विद्यार्थी में होनी बहुत जरूरी है, तभी वो एक्टिव होकर कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे या अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। उसके बाद है साझेदारी, कोई भी आइडिया है, कोई भी सवाल है, कोई भी बात है तो वो साझेदारी हो, शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो, शेयरिंग ऑफ इंटरेक्शन हो, शेयरिंग विद टीचर ऑल्सो, शेयरिंग विद पार्टनर ऑल्सो, शेयरिंग विद क्लासमेट ऑल्सो। तो वो अपने आसपास के बच्चों से भी शेयर करें। अगर आप प्रोजेक्ट बनाती हैं, ग्रुप में प्रोजेक्ट बनता है, ग्रुप में काम होता है, अगर शेयरिंग नहीं होगा तो वो मुश्किल होगी फिर काम करने में। समूह का मतलब ये है कि हम शेयर करते हैं, शेयर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर ऑफ इमोशन, शेयर ऑफ नॉलेज, शेयर ऑफ आइडियाज। तो बहुत सारी बातों को साझा करना भी उनका एक गुण होना चाहिए लर्नर का, जो कि सीखने वाले हैं। सीखने वाला कौन है? स्टूडेंट्स। निडर हो, बिकॉज ही और शी हैज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टीचर। तो वो डर नहीं होनी चाहिए उसके मन में कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, या हम कुछ बोलेंगे और कुछ गलत पूछ देंगे या टीचर नहीं बताएगी मुझे, डांटेगी। तो वो डर बच्चे में नहीं होना चाहिए। अगर सीखना है तो फिर डरना छोड़ना होगा, तो निडर होना चाहिए। ज्ञान और अनुभव का निर्माण, वो खुद भी इंटरप्रेट करे जो भी वो सीख रहा है, उसको वो अपने आधार पर अपने अनुसार एक नए ज्ञान का निर्माण करे। हम कहते हैं ना कि पहले के ज्ञान पर आधारित नए ज्ञान का निर्माण। तो बच्चा जब सीख रहा है क्लास में कुछ तो वो पहले के अनुभव को भी याद रखे और फिर टीचर जो बता रहा है उसको मिलाकर एक नई बात, नई समझ, नई सोच और नया ज्ञान अपने अंदर विकसित करे। और प्रयास, ट्राइंग, प्रयास तो करना होगा। अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं अधिगम में कि बच्चे पीछे हो जाते हैं या कोई मुश्किल होती है या कोई परेशानी होती है पढ़ने में या उनकी रुचि कम हो जाती है, तो उनको कोशिश करते रहनी होगी। लर्नर एज मीनिंग मेकर, अगर उसको अर्थ निर्माण करना है, अगर उसको चीज़ों को समझना है, तो हो सकता है एक बार में ना सही पर वो निडर होकर सक्रिय रहे, अपनी रुचि दिखाए, जिज्ञासु बने रहे, तो क्या होगा कि वो प्रयास करते रहेगा और एक दिन वो एक अच्छी समझ, नई समझ विकसित करने में सफल हो पाएगा। ये पिछले कक्षा का ही टॉपिक था जिस पर हमने कुछ और चर्चा आज की। और आज हम शुरुआत करेंगे रोल ऑफ इंक्वायरी इन मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग मतलब अर्थ निर्माण, और उसमें रोल ऑफ इंक्वायरी क्या है। पहले एक शब्द लीजिए, इंक्वायरी। आपको ये शब्द हमेशा पुलिस जांच में या पुलिस केस में सुनने को मिलता होगा कि इंक्वायरी हो रही है। व्हाट इज इंक्वायरी? इंक्वायरी इज सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज, सच्चाई की पड़ताल को हम कहते हैं इंक्वायरी। तो बच्चा जब इंक्वायरी करता है, कैसे करेगा बच्चा क्लास में इंक्वायरी? व्हेन ही विल आस्क क्वेश्चन, व्हेन ही विल शो हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन, व्हेन ही विल इंगेज हिमसेल्फ वेरी परफेक्टली एंड वेरी विथ मैनर। तो उसको ये सारी चीजें कक्षा में दिखानी होगी और तभी उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल ही सक्रिय माना जाएगा और तभी वो इंक्वायरी कर पाएगा। इंक्वायरी की भूमिका जो उसकी होगी एक बच्चे की, तभी समर्थ हो पाएगी
सक्षम हो पाएगी और सफल हो पाएगी। अगर बच्चा चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं पूछता है, कुछ नहीं बोलता है और टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, तो वो इंक्वायरी वहाँ वो कर ही नहीं रहा है, वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल ही तटस्थ है। तटस्थ मतलब क्या है, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है उसके दिमाग से सारी चीज़ें, तो उस समय इंक्वायरी की भूमिका नहीं बन पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा स्टूडेंट्स निर्भीक होकर बात करे, बोले, क्वेश्चन पूछे, सक्रिय भागीदारी अपनी दिखाए, तभी वो इंक्वायरी कर सकता है। और जब इंक्वायरी करेगा तभी उसे कुछ प्राप्त होगा, और वो क्या प्राप्त होगा, ज्ञान, समझ, अनुभव। धन्यवाद।